आज हम बनाने जा रहे हैं पॉन्ड्स मसाला ग्रेवी। इसे बनाना बहुत ईजी है। पॉन्ड्स खाने में तो टेस्टी है ही, अगर आपको आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो ये और भी टेस्टी बन जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे 300 ग्राम पॉन्ड्स लिया है और इसे अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। इसके लिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, एक छोटी चम्मच नमक, एक चम्मच अदरक का पेस्ट, एक चम्मच लहसुन का पेस्ट और यहाँ पे डाल देंगे दो चम्मच प्याज पेस्ट। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे 10 से 15 मिनट मैरिनेट करके रख देंगे। इस तरह से मैरिनेट करके रखने से पॉन्ड्स बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है और मसाला का जो जूस है वो पूरी तरह से पॉन्ड्स के अंदर चले जाते हैं, उससे टेस्ट बढ़ जाता है। अब हम एक पैन को गर्म कर लिया है। इस पैन में डाल देंगे दो चम्मच सरसों का तेल। तेल गर्म होते ही इसमें एक एक करके मैरिनेट किया हुआ सारे पॉन्ड्स को डाल देंगे। आप यहाँ पे सरसों के तेल की जगह आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकती है, लेकिन अगर आपके पास सरसों का तेल है तो आप सरसों का तेल ही लीजिए, क्योंकि सरसों का तेल से ही इसका ग्रेवी बहुत ही अच्छा बनती है। सारे पॉन्ड्स को एक साथ डाल देंगे और इसे गोल्डन कलर होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक तरफ फ्राई हो चुकी है, इसे पलट देंगे और इसकी दूसरी तरफ भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और दोनों तरफ अच्छे से गोल्डन कलर होने तक फ्राई करते रहेंगे। सारे पॉन्ड्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे। पॉन्ड्स को आप बिना फ्राई किए भी पका सकती हैं, लेकिन अगर मैरिनेट करके फ्राई करके पकाएंगे तो इसका टेस्ट अलग ही आएगा। पैन में एक चम्मच के आसपास बची हुई तेल है, उसमें एक चम्मच तेल और डाल देंगे। अब हम इस तेल में डाल देंगे एक छोटी चम्मच एनिसिड यानी कि सौंफ। इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे फ्लेम को मीडियम रखेंगे। फिर इसमें डाल देंगे एक चम्मच अदरक का पेस्ट, एक चम्मच लहसुन का पेस्ट और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इससे इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। अदरक लहसुन का हल्का से फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे दो चम्मच के आसपास प्याज पेस्ट। आप यहाँ पे प्याज पेस्ट की जगह बारीक कटी हुई प्याज भी इस्तेमाल कर सकती है। प्याज को भी मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। फ्राई होते ही अब हम इसमें डाल देंगे एक बड़ी टमाटर की पेस्ट। आप अगर टमाटर को पेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो टमाटर को बारीक चॉप करके भी डाल सकती है। टमाटर को भी बाकी चीज़ों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, एक चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और एक चम्मच रेड चिली पाउडर। कैमरे में गड़बड़ी होने के कारण रेड चिली पाउडर की वीडियो हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अब हम लो फ्लेम में इन सारे मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक तेल अच्छे से छोड़ ना दे तब तक इसे अच्छे से फ्राई करते रहेंगे। देखिए तेल छोड़ चुके हैं, मसाला बिल्कुल अलग हो चुके हैं तेल से। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। आप यहाँ पे पानी अपने हिसाब से डालिएगा, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से डालिएगा। हमें यहाँ पे ग्रेवी थोड़ा सा थिक चाहिए, इसलिए इसमें हमने कम पानी डाला है। देखिए ग्रेवी में उबाल आ चुकी है। अब हम इसमें सारे फ्राई किया हुआ प्रॉन्स को डाल देंगे। फ्रेंड्स, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा और मेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप सबकी कमेंट पढ़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आपकी कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही मोटिवेशन होती है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं नई नई रेसिपी लेके आऊँगी। अब हम इसमें डाल देंगे एक छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, इसे हल्का मिला देंगे और एक मिनट इसे इस तरह से ढककर पकने देंगे। इससे क्या होगा ना, गरम मसाला का जो फ्लेवर है वो पूरी तरह से ग्रेवी के अंदर आ जाएगा। देखिए एक मिनट के बाद पॉन्ड्स मसाला ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। आप इसे चावल रोटी किसी के साथ भी खा सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।